हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन RCI एजुकेशन ऑफ ऑनलाइन क्लास। ये स्टूडेंट्स, वी डिस्कस अबाउट द डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। प्रीवियस क्लास में अपन ने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर ली थी, अब बात करेंगे अपन डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन गिवन बाय गोल्डस्टीन, अब जानते हो आप किसने ली थी ये, गोल्डस्टीन। एक्सपेरिमेंट आपका वही था, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। साइंटिस्ट ने जब जेजे थॉमसन के डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन वाले एक्सपेरिमेंट पर ध्यान दिया तो सभी साइंटिस्टों ने सोचा कि अगर किसी भी पार्टिकल में, किसी भी मैटर में अगर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट है तो उसमें पॉजिटिव भी होंगे। ये क्लियर हो चुका था बाय द महर्षि कणाद एंड डाल्टन कि एटम इज ए न्यूट्रल पार्टिकल। और ये सारे सब एटॉमिक पार्टिकल किसमें प्रेजेंट होते हैं, आपके एटम में। तो अगर इसमें नेगेटिव पार्टिकल है तो कहीं ना कहीं इसमें क्या होंगे, आपके पॉजिटिव पार्टिकल भी होंगे। क्लियर? तो जब गोल्डस्टीन ने इसमें क्लियरली देखा तो यहां पर इसने जिस तरीके से जेजे थॉमसन के एक्सपेरिमेंट में केथोड से एनोड, यहां पे केथोड से एनोड आपकी रेज मूव कर रही थी तो उसके रिवर्स डायरेक्शन में एनोड से केथोड भी क्या कर रही थी, रेज मूव कर रही थी, जिसको किसने एक्सप्लेन किया, गोल्डस्टीन। कैसे एक्सप्लेन किया, उसने इस डायरेक्शन में क्या लगा दिया, एक स्टील लगा दी, और जो केथोड वाला इलेक्ट्रोड है उसको क्या लिया, पोरस टाइप कर लिया। क्या लिया, पोरस टाइप कर लिया। तो रेज आपके यहां से पास होके इस पे क्या अपेयर करवा रही थी, स्पॉट अपेयर करवा रही थी, मतलब अपेयर अपन को दिख नहीं रही थी, यहां पर इसको देखना पड़ा। जिस तरह से रेज केथोड से एनोड इन सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय जेजे थॉमसन, सेम एज एनोड से केथोड भी रेज मूव कर रही थी उनको अपेयर करने के लिए गोल्डस्टीन ने इसी एक्सपेरिमेंट में आपका पोरस टाइप का इलेक्ट्रोड जिसमें बारीक बारीक पोर होते हैं, सेद होते हैं, वो लिया और यहाँ पर एक फ्लोरोसेंट मटेरियल मतलब एक स्क्रीन ली, उस स्क्रीन पर उनके क्या दिखे, स्पॉट दिखे, चमकीले स्पॉट दिखे, जिससे नजर आया कि कुछ रेज आपकी एनोड से कैथोड की तरफ भी मूव कर रही, जिनको क्या नाम दिया, एनोड रेज। क्या नाम दिया बेटा इनको, एनोड रेज या केनाल रेज। क्या नाम दिया, एनोड रेज या केनाल रेज इनको नाम दिया। क्यों, क्योंकि ये कहां से ओरिजिन हो रही है, एनोड वाले इलेक्ट्रोड से, इनको क्या नाम दिया गया, एनोड रेज। और एनोड क्या था आपका, पॉजिटिव था, तो ये इनके जो पार्टिकल है वो भी क्या होंगे, पॉजिटिव, क्योंकि ये किधर मूव कर रही थी, नेगेटिव की ओर, कैथोड की ओर मूव कर रही थी, इसलिए एनोड रेज के जो पार्टिकल से वो क्या होंगे, आपके पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होंगे। और इन एनोड रेज की जो प्रॉपर्टीज है, क्या है बेटा प्रॉपर्टीज है, वो प्रॉपर्टीज क्या होगी, सेम एज कैथोड रेज, क्या होगी, सेम एज कैथोड रेज, जो प्रॉपर्टीज होगी सेम एज कैथोड रेज। क्यों होगी, क्योंकि आपकी ये जो एनोड रेज है ये क्या है, डिफ्लेक्शन बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, राइट। एनोड रेज की प्रॉपर्टीज सेम एज किससे हैं, कैथोड रेज से। इसका एक्सप्लेनेशन कैसे हुआ कि ये एनोड रेज भी सेम डिफ्लेक्शन शो कर रही थी, किसकी प्रेजेंस में, इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में। तो यहां पर इनकी प्रॉपर्टीज लगभग लगभग सिमिलर थी केथोड रेज से।
चार्ज क्या था इनका, पॉजिटिव चार्ज। चार्ज क्या था इनका, पॉजिटिव चार्ज। और इन्हीं पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को गोल्डस्टीन ने क्या नाम दिया बेटा, प्रोटोन नाम दिया। क्या नाम दिया, प्रोटोन नाम दिया। तो यहां पर अब अपने पास में एटम का एक और सब एटॉमिक पार्टिकल निकल के आया है जिसका नाम है आपका प्रोटोन, और इसका जो आपका चार्ज है वो क्या है, पॉजिटिव है, या कहेंगे यूनिट पॉजिटिव चार्ज। क्या है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। क्लियर। अब जैसे इलेक्ट्रॉन के रेफरेंस में चार्ज टू मास रेशियो ई बाय एम कैलकुलेट हुआ, वैसे ही प्रोटॉन के लिए भी ई बाय एम, इन सब ऑब्जर्वेशन के बेस पर। ध्यान दीजिए बेटा, जैसे इलेक्ट्रॉन के लिए ई बाय एम का कैलकुलेशन हुआ, सेम एज प्रोटॉन के लिए भी ई बाय एम का जो कैलकुलेशन निकल के आती है वो आती है 9.58 × 10⁻⁷ कूलम केजी इनवर्स। राइट, कितना आता है 9.58 × 10⁻⁷ कूलम केजी इनवर्स। क्लियर। अब बात आपकी आप इसकी चार्ज ऑफ प्रोटॉन, इसकी बात आती है आपकी चार्ज ऑफ प्रोटॉन, चार्ज ऑफ प्रोटॉन कौन सा चार्ज है आपका, पॉजिटिव चार्ज। कौन सा चार्ज है आपका, पॉजिटिव चार्ज। तो जितना चार्ज इलेक्ट्रॉन पे होता है उतना ही चार्ज प्रोटॉन पे होता है, बट मैग्नीट्यूड क्या होगा, प्लस 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। सेम चार्ज प्रोटॉन पे भी क्या होता है आपका, सेम चार्ज, बट वो क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो वहां पे लिखेंगे प्लस 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, दैट इज द चार्ज ऑफ प्रोटॉन। एंड ई बाय एम की वैल्यू 9.58 × 10⁻¹⁹ कूलम केजी इनवर्स। ये सारे वैल्यूज इन सब ऑब्जर्वेशन से ऑब्टेन हुई। अब अपन को क्या फाइंड आउट करना है, आपका मास ऑफ प्रोटॉन। क्या करना है आपका, मास ऑफ प्रोटॉन। देखो कैसे करेंगे अपन मास ऑफ प्रोटॉन, देखिए स्टूडेंट्स, मास ऑफ प्रोटॉन के लिए, मास ऑफ प्रोटॉन वही कैलकुलेशन ई अपॉन ई बाय एम, ई से ई कैंसिल हो जाएगा आपका, ई कितना है अपने पास में, प्लस 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम अपॉन ई बाय एम कितना है 9.58 × 10⁻¹⁹ कूलम केजी इनवर्स। ये सारी वैल्यूज जब कैलकुलेट करते हैं तो अपने पास आता है 1.67 × 10⁻²⁷ केजी, दैट इज द मास ऑफ प्रोटॉन। 1.67 × 10⁻²⁷ केजी, दैट इज द मास ऑफ प्रोटॉन। क्लियर। अब इन सब के बेस पर अपन कह सकते हैं प्रोटॉन इज ए सब एटॉमिक पार्टिकल हैविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज। क्या लगता है आपका, ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो अब अपन इससे क्या करेंगे, इसको डिफाइन करेंगे। क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। कैसे डिफाइन करेंगे, प्रोटॉन इज ए सब एटॉमिक पार्टिकल विच हैव चार्ज इज 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम इन सेंस ऑफ यूनिट पॉजिटिव चार्ज एंड मास इज 1.67 × 10⁻²⁷ केजी विच इक्वल टू मास ऑफ एन हाइड्रोजन एटम, दैट इज कॉल्ड प्रोटॉन। क्लियर। ये थी आपकी डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स।